हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे असाइनमेंट सेशन 2023-24 क्वेश्चन नंबर 6B। कोर्स कोड होगा MEC 101, जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ये प्रोग्राम कोड होगा MEC दोनों का कॉमन जो असाइनमेंट होता है MEC 101। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। तो ये क्वेश्चंस लिया गया आपका इकोनॉमिक्स ऑफ अनसर्टेनिटीज से। 6B, राधा हैज एसेट वर्थ 10,000 रुपीज और सी इज फेसिंग अ लॉस ऑफ 3600 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.002। सी इज इंडिफरेंट पेइंग जी फॉर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन और एज्यूम कर लेना रिक्स ऑफ लॉस पर्सनली और सी वैल्यू टोटल एसेट ऑफ अमाउंट W ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी फंक्शन। U इज द फंक्शन ऑफ W वेल्थ का है और उसका जो रिक्स एवर्स पर्सन का जो यूटिलिटी फंक्शन होता है वो दिया गया है W टू द पावर हाफ डिटरमाइन G, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो राधा है वो फेस कर रहा है गैम्बल्स, ठीक है। तो 10,000 उसका प्रॉपर्टी है, एसेट है और वो 3600 वो उसका होगा फेस कर रहा है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है तो 0.002। अगर हम यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 2/ ये हमारा फिगर आएगा। तो इतना उसको लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है 2/1000। तो जाहिर सा बात है कि जो लॉस नहीं होगा वो 10,000 उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इसको 1 से माइनस कर देते हैं तो ये 1000 होगा, 1000 माइनस 2 यानी 998/1000। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, उसको लॉस नहीं होने का। तो अब हमारा बन गया 998/1000, ठीक है। तो राधा के पास एक गैम्बल है जिसमें 10,000 पाने की प्रोबेबिलिटी 998/1000 है और 3600 पाने का उसकी प्रोबेबिलिटी 2/1000 है। ये गैम्बल्स है तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू और ये क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पे ऑफ एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको ईवी कहते हैं, ठीक है। तो 10,000 इंटू 998/1000 प्लस 3600 इंटू 2/100, इट इज द सम ऑफ पे ऑफ एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये 30 मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया 998 और 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा फिगर। यहां पर 2 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 36 × 72 डिवाइडेड बाय 10। इसको आप डिवाइड करोगे तो होगा 998 + 7.2। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड जो वैल्यू निकला 998/7.2, ये हमारा एक्सपेक्टेड जो वैल्यू निकला वो है 998/7.2 एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इसका निकालेंगे इसी इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम पे ऑफ एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालेंगे तो यू जो फंक्शन है W का तो 10,000, ठीक है, इंटू 998/1000, ठीक है, प्लस यू 36, ठीक है, इंटू 2/1000। अब U आपका जो फंक्शन है W टू द पावर हाफ, तो यहां 10,000
टू द पावर हाफ हो जाएगा और वो मल्टीप्लाई होगा 998 बाय 1000 प्लस यहाँ 3600 टू द पावर 1 बाय 2 इंटू 2 बाय 1000। ठीक है, अब ये आपको मालूम है अंडर रूट है ये 10000, तो 100 इंटू 100, तो यहाँ से आपका 100 आया इंटू 998 बाय 1000। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 60 इंटू 60 36 इंटू 2 बाय 1000। अब यहाँ देखिए जितना जीरो कैंसिल कर सकते हैं कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा आपको ये फिगर, इसको हम 998 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 99.8, और यहाँ पर आप एक जीरो कैंसिल कर लीजिए तो ये 12 होगा। ठीक है, अब 12 होगा 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.12 होगा। ठीक है, तो 0.12, अब इसको ऐड करना पड़ेगा तो 998 0.12। ठीक है, अब इसको कीजिए 2999 इतना आ गया। ठीक है, दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये हमारा एक्सपेक्टेड जो यूटिलिटी आया वो क्या आया 99.92। ठीक है, दो चीज निकल गया, अब हमको यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू से निकालना पड़ेगा। ठीक है, यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो क्या हो जाएगा U और एक्सपेक्टेड वैल्यू हम जो निकाले हैं 9987.2, तो इसका पावर हो जाएगा 1/2 यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा 9987.2 का आप स्क्वायर, इसका स्क्वायर लोगे तो आपको ये आएगा 99.93, जो बिल्कुल आपका लगभग इक्विवेलेंट, मतलब वो 99.92 आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आया, और यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका जो आया वो क्या आया 99993, यानी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो ये जो रिक्स टूवर्ड जो ये इस एजेंट को दिखाता है, रिक्स किस तरह है, रिक्स एवर्ज है। ठीक है, ये डिसलाइक करता है रिक्स लेना, ये इंश्योरेंस परचेज करेगा। अब एक नया कंसेप्ट आएगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सीवी, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जिसको सी से हम डिनोट करते हैं। तो यहां आप यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ सी हो जाएगा, और इक्वल टू जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो आपका आया 9992। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, सी का अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि हमारा यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, और इधर होगा 99.92। अब इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो C इक्वल टू ये हो जाएगा 99.92 का स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9992। ठीक है, 2 2 4 18 कैरी 1, 18 और 1 19 कैरी 1, 18 और 1 19। ठीक है, अब 9 से करना पड़ेगा, 9 2 18 कैरी 1, 9 9 81 और 1 82 कैरी 8। ठीक है, 9 9 81 और 8 81 और 8 89 कैरी आपका 8 रहेगा, और 9 9 81 फिर 8 98। तो ये वाला हुआ, तो 9 से करेंगे सेम आएगा तो 8 2, ठीक है, 9 9 8 और फिर एक करेंगे 8 2 9 9 8।
तो 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 ये 10, 12, 20 हो गया, कैरी 2, 18 टू 20, 22 और 8, 30, कैरी 3, 18 टू 20 और 3 कैरी 23, फिर 18 टू 20 और फिर 8, 28 कैरी 2, 17 टू 19 कैरी ओवर 9, अब कितना डेसिमल, 4 डिजिट, 2 2 4, ये हमारा आ गया C इक्वल टू 9983.00। अब इतना ही लेके चलते हैं, तो यानी आप इतना ही अमाउंट लेके चलिए, 9983, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, अगर वो परचेज करेगा इंश्योरेंस तो इतना उसको मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आया, ठीक है, तो जी को डिटरमाइन करना है, तो रिक्स प्रीमियम जिसको कहते हैं, जिसको जी से डिनोट करना है, रिक्स प्रीमियम, ठीक है, तो रिक्स प्रीमियम बराबर क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका क्या आया, 99987 माइनस, ठीक है, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, एक सेकंड, एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अमाउंट, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको ये आया है 9987.2 और इक्विवेलेंट अमाउंट आया है 9983, इसमें जीरो कर दीजिए तो 2 आया, 4 0, सब 0 0 होगा, यानी 4.2 ये अमाउंट ऑफ जी है, यानी इतना वो रिक्स प्रीमियम देगा, ठीक है, तो सर्टेनिटी के साथ इतना पाएगा, अगर वो परचेज नहीं करेगा तो अनसर्टेनिटी के साथ इतना मिलने की चांस होगा, तो इसमें आपको डिटरमाइन करना था रिक्स प्रीमियम, मैंने किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल एंड, जय हिंद।